गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वाक्य का एक और अभ्यास। वाक्य यानी कि सेंटेंस जिन्हें हम दोहरा रहे हैं, इनका अभ्यास हम आपको पहले करा चुके हैं। वाक्य यानी कि जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसके वर्णों को सीखते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स को। हम उनके अक्षरों को सीखते हैं, उन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर हम शब्द बनाते हैं और उन शब्दों को जोड़ कर हम वाक्य बनाते हैं। ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो वाक्य यानी कि सेंटेंस, यहाँ हम शब्दों को इकट्ठा करते हैं। अब ये बात आ रही है कि मैंने आपको पांच शब्द दिए, पंखा, किताब, दीवार, मेज, टेबल। तो आप इन पांचों को मिला के वाक्य बनाओ। अभी हम यही बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको पांच शब्द दे दिए, दीवार, पंखा, टेबल, मेज दे दिया, तो आप सबको मिला के वाक्य बना, तो ये पांच शब्द मिला के वाक्य बन जाएगा। दीवार, पंखा, तेज, टेबल, मेज, वाक्य बना? नहीं। तो सिर्फ शब्दों को इकट्ठा कर देने से वाक्य बन जाता है क्या? नहीं। तो वाक्य के लिए जरूरी क्या है, वाक्य बनता कब है? तो वाक्य बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहले तो शब्द हो आपके पास, उन शब्दों को आप जमाओ प्रॉपर ऑर्डर में, एक क्रम में, और उसके बाद पढ़ो। अगर उनका कोई मीनिंग निकल रहा है, सेंस आ रहा है, तो वो वाक्य होगा। तो वाक्य के लिए क्या दो चीज़ें जरूरी है, एक तो उनका अर्थ का होना, दूसरा उनका सही क्रम में होना। अगर उनको प्रॉपर क्रम में नहीं जमाया, ऑर्डर में नहीं जमाया शब्दों को, और उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो क्या वाक्य नहीं कहलाएंगे। शब्द इकट्ठे भले बहुत सारे रख दो तो शब्दों का समूह हो जाएगा, लेकिन वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य के लिए जरूरी है कि शब्दों का कोई, उस शब्दों के समूह का मीनिंग, अर्थ निकले और वो ऑर्डर में जमे। तो हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं वाक्य की, कि शब्दों के सार्थक। सार्थक का मतलब है यहाँ पर जिसका कोई मीनिंग हो। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग हो, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के उदाहरण है, रानू पत्र लिख रही है। रानू पत्र लिख रही है, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच शब्द हैं, और कैसे जमे हुए, पहले आपने रानू लिखा, फिर पत्र लिखा, फिर लिख रही है लिखा, और सारों को जब आप मिल के पढ़ रहे हो कि रानू पत्र लिख रही है, यानी कि इसका मतलब निकल रहा है वाक्य का, तो ये वाक्य है। अगर हम बोल देते पत्र लिख रानू हे रही, पत्र लिख रानू हे रही, तो क्या वो वाक्य बन पाता, क्या उसका मीनिंग समझ में आता? नहीं। और अगर मीनिंग समझ में नहीं आता तो वो वाक्य ही नहीं कहलाता, क्योंकि वाक्य क्या होता है, सार्थक। सार्थक का मतलब मीनिंग वाला। तो जिन वाक्यों का, जिन शब्दों के समूह का कोई अर्थ नहीं होता, वो वाक्य नहीं होते। वाक्य में अर्थ का होना जरूरी है, और वाक्य में शब्दों का जमा होना सही क्रम में, वो भी जरूरी है। तो पक्षी डाल पर बैठा है, ये दूसरा उदाहरण दिया है, पक्षी डाल पर बैठा है। अगर हम बोलते बेटा डाल पक्षी पर है, तो वाक्य कहलाएगा? नहीं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, वाक्य में शब्दों का सही क्रम में, क्रम यानी ऑर्डर में जमा होना जरूरी है। अगर उन्हें हम एक ऑर्डर में नहीं जमाएंगे, क्रम में नहीं लिखेंगे, तो मीनिंग नहीं निकलेगा। तो हमारे लिए यहाँ याद रखने योग्य बातें क्या हुई हैं, कि वाक्य में शब्दों को सही क्रम में जमाओ तरीके से, ताकि उनका कोई अर्थ निकल पाए। अगर उनका मीनिंग निकलेगा, उन शब्दों से कुछ अर्थ समझ में आ रहा होगा, तो वो वाक्य कहलाएंगे। तो परिभाषा में याद रखिए कि शब्दों के सार्थक, इस वर्ड को इग्नोर नहीं करना, ध्यान से पढ़ना, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में शब्दों को क्रम में जमाना जरूरी होता है, और ये उदाहरण वो हमने लिख के दिए हैं। आप अपने उदाहरण भी लिख सकते हो जो आपको लिखना हो, लेकिन याद रखना कि मीनिंग हो और सही क्रम में जमे हुए हो। तो इस प्रकार अपने स्वयं के वाक्य बनाइए और वाक्यों से परिचित होइए। वाक्यों के कुछ और अभ्यास के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर।